हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। HSSC की तरफ से 2022 में धमाका होने जा रहा है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जहां पर आपको HSSC क्लर्क असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह की बहुत सारी ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं जो देखने को मिलेंगी। उसी के रिगार्डिंग जो नोटिस हैं उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, तो आप तैयारी में लग जाओ सभी कैंडिडेट, तो आपको 2022 में बहुत बड़ी संख्या में जो है वैकेंसियाँ भरते हुए दिखाई देंगी। उसका मेन रीज़न एक तो हरियाणा में अभी जो COVID-19 के चलते हुए काफ़ी टाइम से एग्जाम नहीं हुए हैं, और सरकार के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि जो हरियाणा अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है बेरोजगारी के मामले में, तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आने वाली वैकेंसियों के बारे में जो डाटा मांगा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो शुरू करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। चलो इसी रिगार्डिंग हम न्यूज़ देख लेते हैं जो है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन, जो कॉलेज डिपार्टमेंट होता है हायर एजुकेशन, उसके द्वारा सभी ऑल द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हरियाणा स्टेट, तो सभी कॉलेज के डिपार्ट जो भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट हरियाणा स्टेट में, सभी प्रिंसिपलों को इसके लिए लिखा गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे 9 फरवरी आज ही की डेट का ये नोटिस है, रिगार्डिंग सेंडिंग द फ्रेश लेटेस्ट रिक्वेस्टेशन टू HSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फ्रेश जो रिक्वायरमेंट है, जो खाली पोस्टें हैं HSSC स्टाफ सिलेक्शन को भेजने बारे, यहाँ पर आप देख पाओगे इट इज़ इंटीमेटेड दैट द ऑल द ग्रुप सी पोस्ट टू बी सेंड द फ्लोइंग HSSC फॉर द वैकेंट पोस्ट। ये कैंडिडेट देखो, यहाँ पर देख पाओगे पोस्ट असिस्टेंट क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट JLN लेबोरेटरी अटेंडेंट तबला प्लेयर हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 प्रकार की ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, कितनी कॉलेजों में सेक्शन पोस्ट हैं, कितनी फिल हुई हैं और कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, इसका डाटा है जो सभी कॉलेजों को 9 तारीख को शाम 3 बजे तक भेजना था आज ही के दिन इस मेल आईडी पर। तो जैसे ये डाटा हायर डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन में इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके बाद जो ये डाटा है HSSC को जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो अभी अभी जो चला हुआ है 11 फरवरी तक है सभी डिपार्टमेंटों को वैकेंट पोस्ट भेजनी है, तो उसी के रिगार्डिंग जो हायर एजुकेशन ने है अपनी ग्रुप सी की वैकेंट पोस्टें यहाँ पर देख सकते हो आप क्लर्क असिस्टेंट, तो इनका ब्यौरा जो मांगा है 9 बजे तक, 9 तारीख को शाम 3 बजे तक। तो आप अभी तैयारी में लग जाओ, आने वाले टाइम में जैसे ही आपका CET एग्ज़ाम होगा, CET एग्ज़ाम जो आपका है मैक्सिमम है कि अप्रैल में हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती हैं वो CET के थ्रू भर्ती जाएंगी, और जो क्लर्क असिस्टेंट वगैरह का जो एग्ज़ाम है इसका एक सेकंड एग्ज़ाम है जो लिया जाएगा, तो उसी के बेस पर ये भर्ती कर दी जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मात्रा में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी, ऐसी मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।